ठीक है, देखो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है स्टैट प्रो से, यानी कि इसके जो रिजल्ट हैं वो स्टैट प्रो में भी सेम आने चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि दिखाई दे रही है स्क्रीन, यस ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्लेक्सर एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम इज टेस्टेड इन ए इन दिस एग्जाम्पल। पहले तो ये जान लो कि फ्लेक्सर क्या होती है, स्ट्रेंथ और शियर क्या होती है। कोई बीम है, उसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, तो वो ऐसे बैंड होगा, है ना, तो बैंड होके ऐसे कोलैप्स ना हो, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि उस तरह से उसमें स्ट्रेस जनरेट ना हो, वो उसको बोलते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेस। और कोई ऐसे ना टूट जाए, फोर्स लगाने पे ऐसे बीच में से ही ना टूट जाए बिना बैंड हुए, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। तो ये दोनों के लिए टेस्ट किया गया इसको, इस बीम को। इन दिस एग्जाम्पल सिंपल सपोर्टेड बीम है, क्योंकि एक तरफ पिन सपोर्ट है, एक तरफ रोलर सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्टेड बीम है। यूनिफॉर्म फैक्टर लोड, इसके ऊपर यूनिफॉर्म लगा हुआ है, आप यूनिट से भी पता कर सकते हैं, 37.778। कितने क्या सर? बजे गया था आपकी? साढ़े चार मुझे ना वो कोर्स एक सर्वे वाला भेज देना। था, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपका बीम है वो सिंपल सपोर्टेड बीम है, और उसके ऊपर जो आपका लोड लगा हुआ है 37.778 किलोन्यूटन पर मीटर। पर मीटर ये यूनिट किसकी होती है, किलोन्यूटन पर मीटर, यूडीएल लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। दिस एग्जाम्पल इज टेस्टिंग यूजिंग IS 456-2000। ये IS कोड उन्होंने यूज किया है, कंक्रीट डिजाइन कोड, द फ्लेक्सर एंड शियर रिइंफोर्समेंट कंप्यूटर कंपेयर विद इंडिपेंडेंट रिजल्ट। अब क्या क्या उन्होंने मैनुअली डिजाइन किया है बीम, और मैनुअली जब इन्होंने डिजाइन किया तो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। मैं एक डाटा समझा देता हूँ, फिर स्टैट में करते हैं। सबसे पहले डाटा समझाता हूँ, एक बीम है 6 मीटर का, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया, डेप्थ दी है 600 mm, विड्थ दी है 300 mm, और जो क्लियर कवर है, याद है आपको डिजाइन में मैं कवर डालता हूँ, मैंने कहा था बीम के लिए 25 होता है, कॉलम के लिए 40 होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में बीम के लिए कितना है, 37.5 mm, ठीक है, यहाँ से डाल लेंगे, ये क्रॉस सेक्शन है, इसे बार दिखा रहा है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिक मॉडुलस जो है मटेरियल का, वो ये वैल्यू दी हुई है, पॉइजन रेशियो ये दिया हुआ है, और शियर मॉडुलस ये दिया हुआ है। डेप्थ है इसकी 562.5, ये कैसे दी हुई है डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ क्या है इसकी 600, उसमें से माइनस करके इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं स्मॉल डी को, कैपिटल डी होता है ओवरऑल डेप्थ, और इसका जो लोड दिया हुआ है 37.778। जो कंक्रीट ग्रेड लिया हुआ है M15, याद हो मैं जब कंक्रीट डिजाइन आपको बता रहा था तो मैंने 25 लिया था, इन्होंने गिवन है कि कंक्रीट का जो ग्रेड है वो 15 है मेगा पास्कल, और स्टील का जो ग्रेड है वो 415 है। तो ये सारे डाटा लेकर इन्होंने इस बीम को डिजाइन किया, तो रिजल्ट क्या आया, जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रही है 170 आ रही है किलोमीटर मीटर, जो इसके लिए रिइंफोर्समेंट आ रहा है वो 1006 mm², देखो यहाँ बार में नहीं दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बार, यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर एरिया में, तो इतना आया हुआ है शियर फोर्स, इतना आया हुआ है, और शियर के लिए रिइंफोर्समेंट इतना आया हुआ है। तो यही ये मैनुअली किया हुआ है, यही हमारा स्टैट में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, अगर ये आ जाता है इसका मतलब हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना स्टैट प्रो में। अब एक चीज और इसमें देखना है, जो 170 दिया हुआ है ना, अब इसमें प्रॉब्लम में ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि इन्होंने सेल्फ वेट इंक्लूड किया है या नहीं, है ना, इस पे 37.778 यूडीएल तो लग रहा है, पर इसका खुद का सेल्फ वेट इन्होंने इंक्लूड किया, उसके साथ मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे बिना वेट के और विदाउट वेट और विद वेट, अगर 170 जिसमें भी आ रहा है वो वाली कंडीशन लेके चलेंगे। चलो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बस इसके रिजल्ट वेरीफाई करने हैं हमें। बीम डिजाइन मीटर किलो न्यूटन, नेक्स्ट नेक्स्ट, जो हमारी ग्रिड आएगी, हमें 6 मीटर का बीम चाहिए, सिंपल 0 to 6 हम प्रेस कर देंगे, 0
से 6 मीटर और ग्रिड को क्लोज कर देंगे। इसको हम कर लेते हैं फ्रंट व्यू। एक हमारी है पिन सपोर्ट, तो ज्योमेट्री में जाके सपोर्ट क्रिएट, पिन सपोर्ट ऐड क्रिएट, फिक्स बट में आपको पता है रोलर के लिए एफ वाई को छोड़ना होता है और सब पे क्लिक करना होता है ऐड। तो हमने पिन को यहाँ पे लगा दिया फिक्स पे, और ये भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा माउस का कर्सर कन्वर्ट हो जाता है नोड कर्सर में, क्योंकि ये नोड पे ही लगनी है, इसलिए नोड में आराम से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, एस्केप बटन दबाऊंगा तो ये नॉर्मल बीम कर्सर बन जाता है। सपोर्ट के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में डिफाइन रेक्टेंगुलर है, डेप्थ कितनी दी हुई है, ओवरऑल डेप्थ लेंगे इसमें हम। ठीक है, ओवरऑल है 600 mm और 300 mm विड्थ है इसकी। तो वाइड ही है हमारा 0.6 और ये है 0.3 कंक्रीट एड, और इसको मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ बीम के ऊपर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद लोड की बात आती है। अब लोड के अंदर मैं एक लोड बनाता हूँ डेड, डेड लोड। इसके अंदर मैं दो लोड लूंगा, एक तो सेल्फ एड, क्योंकि प्रॉब्लम में डिफाइन नहीं किया हुआ कि सेल्फ एड लेना है कि नहीं लेना, इसलिए मैं सेल्फ एड ले लेता हूँ। रिजल्ट पे मैटर करता है किससे रिजल्ट आ रहा है। और एक मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स दिया हुआ है 37.778, देख लेता हूँ एक बार, 778 माइनस लगाना है डाउनवर्ड के लिए, एड क्लोज। दोनों को अप्लाई करके मैं केवल एनालाइज कर दूंगा, बेंडिंग मोमेंट 170 आना चाहिए। ठीक है, इसके एरो को मैं कर लेता हूँ ठीक, स्केल क्योंकि ये UDL है, यूनि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ, ये हो गया। शिफ्ट और वी से लोड वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार एनालिसिस एंड प्रिंट एक ही बार करना होता है, ऑल करता हूँ क्योंकि मेरे को सारा डाटा चाहिए आउटपुट में, क्लोज एनालिसिस। अब मैं बेंडिंग मोमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे ये आ गई बेंडिंग मोमेंट, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू देख लेता हूँ। यहाँ पे शीयर बेंडिंग मोमेंट आ रही है 189। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम जो आ रही है 189 आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें डेड लोड जो है उसमें सेल्फ एड इसने कंसिडर नहीं किया है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, बिना सेल्फ एड के कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होता, ये केवल प्रॉब्लम है सीखने के लिए, बस हम उसके रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सेल्फ एड लेना ही लेना होता है। ठीक है, तो अभी तो केवल हम रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ एड को हटाते हैं। तो मैं गया यहाँ पे जनरल लोड और यहाँ से सेल्फ एड को डिलीट कर देता हूँ और फिर एनालिसिस करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ शीयर 170। ठीक है, 170 आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने दिया हुआ है 170 आना चाहिए हमारा डिजाइन मोमेंट। शीयर फोर्स कितना आना चाहिए, 113.33, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। शीयर फोर्स इन वाई में जनरेट होगा, तो यहाँ क्लिक करता हूँ तो 113.33। ठीक है, देखो होता क्या है, स्टेट प्रो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डिजाइन का सीखना है ना, तो इस तरीके से सीखना है कि कोई मैनुअली सॉल्व की गई प्रॉब्लम को स्टेट प्रो में ट्राई करना है और रिजल्ट आने। अगर मैं इसके रिजल्ट मेरे पास नहीं होते इस प्रॉब्लम के, तो मैं तो कुछ भी करता, रिजल्ट तो आ ही जाएंगे स्टेट प्रो में, पर वो रिजल्ट सही है या नहीं है। तो सीखने का तरीका है कि मैनुअली कोई सॉल्व प्रॉब्लम है उसके रिजल्ट को वेरीफाई करो, आप बुक बुक उठा लेना वहाँ से मिल जाएंगे। तो हमारे दो रिजल्ट वेरीफाई हो गए, डिजाइन मूवमेंट और डिजाइन शीयर फोर्स। अब हमें करना है डिजाइन और ये सारी प्रॉपर्टी भी हमें डालनी होती है। ठीक है, यही मेन चीज है जो आज आप सीखनी है आपको। तो चलो क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप हम जाते हैं डिजाइन। डिजाइन में हम लेते हैं यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ कंक्रीट। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डिजाइन करेंगे और यहाँ कोड ढूंढते रहेंगे, तो कोड आपको मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट है आपका स्टील और आपको कंक्रीट का कोड चाहिए, तो कंक्रीट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे IS456 आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे यूनिट चेंज करोगे मिलीमीटर और न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन पैरामीटर, क्लियर कवर आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में 37.5, तो यहाँ पे 37.5 आप ऐड कर लो।
और इसके बाद कंक्रीट का जो ग्रेड है वो 15 दिया हुआ है। एफसी के आपने देखा होगा प्रॉब्लम में, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड एफसी के से लिखते हैं 15, और स्टील का है 415। तो यहाँ पे 15 ऐड कर लिया और स्टील के लिए 415, और सेकेंडरी स्टील के लिए भी जो स्टीरअप में यूज होता है 415। और मैक्सिमम कुछ भी आप ले लो मैक्सिमम, क्योंकि हमें जो रिजल्ट में वेरीफाई करना है वो एरिया वेरीफाई करना है कि इस मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए, जो 170 मूवमेंट आ रही है ना, 170 किलो न्यूटन, इस मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए कितना स्टील इसमें डलेगा वो एरिया के फॉर्म में बताना है, ना कि बार की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम हम ज़्यादातर ले लेते हैं 20 एड, सेकेंडरी के लिए ले लेते हैं 10 एड, मिनिमम तो आपको पता ही है 12 लेना होता है एड, और सेकेंडरी के लिए मिनिमम 8 लेना होता है एड, रेशियो 4% ही रहता है। बस इतना लेके आप क्लोज कर दो। यहाँ पे कमांड में आपको देना होता है डिजाइन बीम, और टेक ऑफ भी ले लो। ठीक है, डिजाइन बीम का ऐड नहीं हुआ है, दोबारा से ऐड कर लेता हूँ। क्लोज। अब देखो इन सबको इस पे अप्लाई करना है, हमें यहाँ से असाइन करना है सारे पैरामीटर को। किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन होना है तो बीच में भी पूछ सकता है। सारे पैरामीटर में बीम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एनालिसिस कर देता हूँ, रिजल्ट चेक करता हूँ, रिजल्ट सेम आते हैं नहीं आते, फिर नहीं आते तो हमको ठीक करते हैं। डबल क्लिक, कंक्रीट डिजाइन आ गया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ बार्स, तो नंबर ऑफ बार्स हमें नहीं देखना है, हमें रिजल्ट देखना है। तो मैं आउटपुट में जाता हूँ, और आउटपुट में कंक्रीट डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1050। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1050.91 mm, अब वहां पे कितना आ रहा है हमारा प्रॉब्लम में। एक चीज और बता दूं, आपका जो आउटपुट है ना, जब इसको ओपन कर लोगे ना तो कोई और चीज ओपन नहीं होती इसके साथ, तो आपको यहाँ पे इसे ठीक करना होगा। फाइल में जाके टॉप मोस्ट पे इसे टिक हटाना होगा, ठीक है, इसीलिए मैं वो नहीं करा पा रहा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ये रहा, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट आ रहा है आपका 1006, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी हम और इसे ठीक करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हमने ये पैरामीटर मैच नहीं कराए ना अभी। इलास्टिक मॉडुलस कितना है, 19.365, तो ये इलास्टिक मॉडुलस कहाँ से चेंज करेंगे हम, दो जगह है, एक तो आप जब प्रॉपर्टी देते हो जनरल में प्रॉपर्टी, ये जो मटेरियल देते हो आप, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मटेरियल में आओगे, नीचे सबसे नीचे मटेरियल है जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ कंक्रीट पे डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया हुआ है ना, न्यूटन पर एमएम में। एक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि ये लॉक है, यहाँ पे मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंक्रीट लिखोगे और वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दोगे, या फिर आप जाओ एडिटर में, और एडिटर में आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है पॉइजन रेशियो 0.2 है हमारा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, इलास्टिक मॉडुलस कितना है हमारा 1.9, इसको भी टॉप मोस्ट से हटाना पड़ेगा, कितना है 1.9365, इस यूनिट के अकॉर्डिंग 1.9365, ठीक है। डेंसिटी 25 होती है कंक्रीट की, तो ये प्रॉपर्टी मैंने चेंज कर दी है, सेव। अब दोबारा से एनालिसिस करता हूँ, डन, डबल क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक नहीं, प्रॉपर्टी, रिजल्ट कंक्रीट डिजाइन 150, ठीक है। देखो होता क्या है, जो आपका मैन्युअली हम डिजाइन करते हैं उसमें वैल्यूज को हम राउंड राउंड अप कर देते हैं, है ना, लेकिन जो स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, जो मैन्युअली किए उसमें 1006, और जो आपने
स्टैट प्रो से की है 1050। ठीक है, मैं और चीज देख लेता हूँ, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, और इसे एग्जिट करना चाहें तो हम। हमने ई ठीक कर लिया 1.9365, हमने पॉइजन रेशो ठीक कर लिया, जी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, डेप्थ हमारी है इतनी ठीक है 37.778, ई 415 है और ये है 37.5, ये है 300। एक बार सारे पैरामीटर चेक कर लेते हैं। पॉइजन रेशो 0.2, 1.9365, 10^7 ठीक है, डेंसिटी 25। अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ये भी हम कर देते हैं, 15 है यहाँ पे, और सब चीज़ें ठीक है, 37.778 ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार फिर एनालिसिस करते हैं और आउटपुट में जाके डिज़ाइन और कंक्रीट डिजाइन 1085 आ रहा है ठीक है। और अब शियर के लिए कितना आ रहा है यहाँ पे, शियर रिइंफोर्समेंट आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है शियर रिइंफोर्समेंट, ये रहा कितना दिया हुआ है 2 lakh 8 i। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, जैसे ये आपका रिइंफोर्समेंट है, इसको जो हम बांधते हैं सेकेंडरी बीम सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट से ऐसे बांधते हैं, ऐसे एक बार ये जा रहा है, एक बार आपका ये जा रहा है ऐसे, तो ये 2 lakh हो गया, 1 lakh 2 lakh। तो इसका हम कैसे एरिया निकालेंगे, 2 into π/4 into 8 का स्क्वायर, तो इससे हमारा आ जाएगा शियर इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो जो मैनुअली है उसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 1006 और 1050 ठीक है, इतना चल जाएगा, इतना आ रहा है mm². ठीक है, अब इसको हम रिइंफोर्समेंट को कन्वर्ट कैसे करेंगे बार्स में, नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, तो उसको सिंपल है कि सबसे पहले तो आपको ये सोचना होता है कि आपको कितने डाया का बार डालना है। तो मान लो मेरे को 16 का डालना है, तो और हमारा एरिया कितना आना चाहिए 1050, तो एन हो गया नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 into 16 into 16 = 1050, तो एन निकल जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 16 ही क्यों लिया, देखो होता क्या है, जो आपकी कंसल्टेंसी होती है जहाँ पे डिज़ाइन होते हैं बीम, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस इंजीनियर होते हैं या वहाँ पे जो ज़्यादातर एक उनकी धारणा होती है कि हम 16 mm का ही डालेंगे, एक IS कोड कहता है कि 12 mm से नीचे का नहीं डालना, मिनिमम 12, तो 12 का डालेंगे कि 16 का डालेंगे, लेकिन जो एरिया है वो उन्हें 1050 ही रखना है, तो अगर 16 का डालेंगे तो नंबर ऑफ बार कम हो जाएंगे, 12 का डालेंगे तो नंबर ऑफ बार बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको इससे कम स्टील नहीं डाल सकते आप बीम में, वरना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, 20 का भी डाल सकते हो आप, 20 का डालोगे तो और हो जाएंगे। और एक और चीज़ है, एक तो 1050 से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से नीचे का डाया नहीं लेना चाहिए, और जो रेक्टेंगुलर बीम है उसे मिनिमम 4 बार डलते हैं, 4 बार से कम नहीं होने चाहिए, तो ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आप कोई सा भी डाया यूज़ कर सकते हो उसमें, है ना। तो किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब देखो आज तो मैं कॉलेज में हूँ, काम था कुछ इसलिए थोड़ा टाइम कम है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन करना, पूरी एक बिल्डिंग डिजाइन करना उसमें सारे लोग, ठीक है, हो सकता है ये एक क्लास में ना हो, दो क्लास में हो। विंड लोड एनालिसिस ठीक है, एक आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ज़्यादा स्टोरी वाली, एक आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये चार बड़े बड़े टॉपिक हैं बस। ठीक है, ये चार होने हैं, ये दो क्लास में होगा, ये एक क्लास में होगा, ये एक क्लास में होगा, ये दो क्लास में होगा, तो दो दो चार, दो 6 क्लासें होंगी आपकी, उसके बाद बीच में कुछ ले लूँगा, टाइम नहीं मिला तो कुछ लेने के लिए तो क्विज भी ले लूँगा। और मैंने जैसे कि मैसेज में किया है कि अटेंडेंस जिसकी कम होगी, मैं अभी देखूंगा क्या क्राइटेरिया रख रहा हूँ, उनको मैं रिमूव कर दूंगा टीम्स में से, ठीक है, और जो वीडियो लेक्चर है उन्हीं को मिलेंगे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।
ठीक है, और मेरे को जो प्रॉब्लम मैं भेजा करूँ, अभी भी मैं एक प्रॉब्लम भेजूंगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आपको भेजना है, ठीक है? और ये भी प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, ये आपको करके भेजनी है मेरे को, अपने अपने उसमें करके स्क्रीनशॉट भेजने हैं, और स्क्रीनशॉट में नाम भी लिखना है। नाम कैसे लिखना है बता रहा हूँ मैं अभी। ये मैं भेज रहा हूँ आपको टीम्स पर ही। ये मैंने मैसेज में भेज दिया है तुम्हें ये वाली प्रॉब्लम। जब आप कुछ भी डायग्राम बनाते हो और बेंडिंग मोमेंट या स्टील कुछ भी दिखाओगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ए नाम से एक ये है, ये इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिख सकते हो आप नेम, रोल नंबर, और ओके कर दोगे ये आ गया, ठीक है? ठीक है, नेम रोल नंबर डाल दोगे, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजोगे, ठीक है? फिर आज की क्लास अभी इतनी है, किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना हो तो बता दो, वरना क्लास लीव करते हैं।